जो धमकी दी गई थी उसमें ये बोला गया था क्योंकि आपके द्वारा बाढ़ मकामा द्वारा व्यक्ति रखा जा रहा है और कोतवा और हमारे एरिया का नहीं रखा जा रहा है, इसलिए आप कृपा करके हमारे वाले एरिया के लोगों को भी रखें। ये तो डेफिनेटली बोला गया था तो उस पिंकू मैसेज यादव में। का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? पिंकू यादव का आउटराइट अरे इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉन्स्पिरेसी है उसके मुख्य चीफ जो है वो पिंकू यादव ही हैं। दोनों की गिरफ्तारी ऐसे हुई कि जो वादी हैं, क्योंकि उनको पहले से ही आशंका थी कि इन दोनों का इसमें संलिप्तता रही हुई होगी, पहले भी उनके तो साथ बकझक की गई थी, तो उनके द्वारा जो इनके फ़ोन डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए गए, हमारे द्वारा इन दोनों को बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई, तभी उसमें पता लगा कि जो है इनकी संलिप्तता सामने आई है। अन्य अभियुक्तों की जो जैसे ही हम लोग गिरफ्तार करने पहुँचे, इसमें से एक बाउंसर हैं जो एम्स में ही कार्यरत हैं, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के द्वारा शूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। एम्स की सिक्योरिटी में इनने ज्वाइन किया था, इनकी बहाली जिनने की है उसके बारे में अभी तक नहीं पता है, वो पता कर लिया जाएगा। लेकिन अपने आप को ये एसोसिएट बताते हैं पिंकू यादव के, अपने आप को जो है वो भगना भगना बोलते थे पिंकू यादव का। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता, दानापुर के विधायक रीत लाल यादव के भाई के ऊपर अब पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने वाली है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि एम्स के मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी की कार के ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था, और इसको लेके कल रीत लाल यादव ने कई चैनल में ये कहा था कि मेरा भाई निर्दोष है, उसकी इस मामले में कोई भी संलिप्तता नहीं है, और अगर वो पाया जाता है आरोपी तो मैं उसकी गिरफ्तारी खुद करूंगा। जिसको लेके आज पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसपी वेस्ट पटना अभिनव धीमान ने बताया है कि दो आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम है गुड्डू यादव और दूसरे का नाम है राजकुमार, जो कि एम्स के गार्ड थे। दो फोन भी बरामद किया गया है, और दोनों ने ये कबूल किया है कि रीत लाल यादव के भाई पिंकू यादव इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड थे। क्या कुछ कह रहे हैं अभिनव धीमान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। रहे हैं इन सब का हम डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे अनुसंधान हमारा प्रभावित होगा, जैसे उनको पकड़ेंगे तो हम दोबारा से आप लोगों को सर, अपडेट जो देंगे। और जो आप लोगों को पुलिस को मिला है पिंकू यादव और प्रेमनाथ राय के बीच में, उसमें ये बात क्लियर है कि गुड्डू रजब को पिंकू यादव ने ही रखवाया था? उसमें क्लियर नहीं है, जो हमारे पास ऑडियो क्लिप है उसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि गुड्डू यादव को पिंकू यादव ने रखवाया था, इसका एविडेंस हमारे पास अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, वो तो ऑडियो में बोल रहा है कि हमने गुड्डू को रखवाया, वो तुमको काम देगा, हम ही लोग को रखो तो वो तुम्हारा काम अगर करेगा। आपके पास वो वाला अगर आप ऑडियो है तो अगर हमारे साथ शेयर करें। हाँ ठीक कर देंगे जी आपको, अगर आप मुकामा के या बाढ़ के आदमी को रखिएगा तो कोई काम देने वाला नहीं है, हाँ वो तो हम ही। क्लियर है, हमने तो हाँ ये तो हम अपने स्टार्ट से ही प्रेस विज्ञप्ति में पहले से ही बता रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि जो धमकी दी गई थी उसमें ये बोला गया था क्योंकि आपके द्वारा बाढ़ मकामा द्वारा व्यक्ति रखा जा रहा है और कोतवा और हमारे एरिया का नहीं रखा जा रहा है, इसलिए आप कृपा करके हमारे वाले एरिया के लोगों को भी रखें। ये तो डेफिनेटली बोला गया था तो उस पिंकू मैसेज यादव में। का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? पिंकू यादव का अरे आउटराइट इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉन्स्पिरेसी है उसके मुख्य चीफ जो है वो पिंकू यादव ही हैं। ये हम लोगों को सूचना भी है कि रीतलाल यादव के घर में ही ये सब सेटिंग हुआ था, तो पिंकू यादव का घर तो वहीं पे है जहाँ हाँ पे बगल रतलाल में। यादव के। हाँ जी, तो रीतलाल यादव पिंकू यादव का भाई है या उसका ब्रदर इन लॉ है? वो जितना हमारे पास सूचना है वो उनके भाई हैं भाई है। जी तो क्या सर, अगर पिंकू यादव दोषी पाया जाता है तो रीतलाल यादव पर कार्रवाई की जाएगी? उनकी संलिप्तता आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जितनी अभी तक संलिप्तता आई है पिंकू यादव की आई है उनको तो हम गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। जो राजकुमार है वो सुबह जो जहाँ पे जिस पार्क में ये वर्कआउट जॉगिंग करने जाते थे वहाँ पे ये साथ में गए थे, वहाँ पे ये आए नहीं, फिर ही राजकुमार द्वारा जो शूटर्स हैं फुलवाड़ी के और इधर खगौल के, उनको इनके घर की पीएन राय के घर की पहचान कराई गई, लाइनर का काम जो है इनके द्वारा किया गया। राजकुमार ने जी दोनों की गिरफ्तारी की? दोनों की गिरफ्तारी ऐसे हुई कि जो वादी हैं, क्योंकि उनको पहले से ही आशंका थी कि इन दोनों का इसमें संलिप्तता रही हुई होगी, पहले भी उनके तो साथ बकझक की गई थी, तो उनके द्वारा जो इनके फ़ोन डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए गए, हमारे द्वारा इन दोनों को बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई, तभी उसमें पता लगा कि जो है इनकी संलिप्तता सामने आई है। अन्य अभियुक्तों की जो जैसे ही हम लोग गिरफ्तार करने पहुँचे, इसमें से एक बाउंसर हैं जो एम्स में ही कार्यरत हैं, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के द्वारा शूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं, और पिंकू यादव और अन्य अभियुक्त जो हैं इसमें फरार चल रहे हैं। एम्स की सिक्योरिटी में इनने ज्वाइन किया था, इनकी बहाली जिनने की है उसके बारे में अभी तक नहीं पता है,
वो पता कर लिया जाएगा, लेकिन अपने आप को ये एसोसिएट बताते हैं पिंकू यादव के, अपने आप को जो है वो भगना भगना बोलते थे पिंकू यादव का, क्योंकि जिस एक इनका दोस्त है जो एक्चुअली में भगना है पिंकू यादव का, उसी के साथ ही बचपन से जो है वो पढ़ाई लिखाई की है, बचपन से उसको जानते हैं, इसीलिए अपने आप को पिंकू यादव का जो है भगना वो बताते हैं। ये गुड्डू यादव है, ये अभी एम्स का भी गार्ड है, मतलब सिक्योरिटी अफसर। इसमें से जो राजकुमार है वो सिक्योरिटी गार्ड के काम उस पर पद पर कार्यरत है, और जो गुड्डू यादव वो सिक्योरिटी ऑफिसर एक पद ऊपर उससे कार्यरत है। फोन कॉल में बताया गया था कि वर्तमान विधायक का भी नाम दिया गया था कि मैं कुछ बड़ा मिस्टेक। आपको किसने बताया? ये वर्तमान विधायक के भाई, भाई का नाम, हाँ जी, भाई का नाम पिंकू यादव बोला गया था कि हम पिंकू यादव बात कर रहे हैं, जिनको सब वर्तमान विधायक के भाई समझा दी हम लोगों जानते। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने ये कबूल किया है कि ये पूरे गेम के मास्टरमाइंड जो है वो रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव है। अब बड़ी कार्रवाई होगी, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, और क्या रीतलाल यादव खुद अपने भाई की गिरफ्तारी करवाते हैं या फिर नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।